मतदी अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हमारे एक शिष्य ने पूछ लिया, शिष्य कहने लगे, गुरुजी शत्रु कौन है, शत्रुओं से कैसे बचा जाए, और आप भद्दे कमेंट्स करने वालों को क्या समझते हैं। मैंने कहा, बहुत सी बातें एक साथ पूछ ली, चलो मैं एक एक के बारे में बताता हूं। शत्रु कौन है, बड़ा आसान है। किसी के काम में कोई रुकावट बन के आ जाए, शत्रु मान लेते हैं। किसी के काम में कोई सहायक बन के आ जाए, मित्र मान लेते हैं। शत्रु के प्रति बस इतनी ही बातें हुआ करती हैं, कल का शत्रु आज मित्र भी हो सकता है, आज का मित्र कल शत्रु भी हो सकता है। शत्रु कोई शरीर नहीं, शत्रु एक विचारधारा है। अब आपके आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर, शत्रु कौन है, कैसे बचा जाए। अब कैसे बचा जाए तो मैं आपको बाद में बताऊं। इसके बाद आपका प्रश्न है कि आप भद्दे कमेंट्स करने वालों को क्या मानते हैं। एक नेता का भाषण चल रहा था, नेता का भाषण बड़ा शांति प्रिय था, बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन उस भाषण में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो भाषण खत्म होने का केवल इंतजार कर रहा था, उसे भाषण से कुछ लेना देना नहीं था। भाषण जैसे ही खत्म होता है, वह लड़का दौड़कर स्टेज के पास पहुंचता है, अपने पैर में जितनी शाही थी नेताजी के कपड़ों पर डाल देता है। ये ही मानसिकता हुआ करती है कि किसी ने किसी के भाषण से कोई नहीं लेना देना, क्या बोल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जो करना है वही करना है। यही कमेंट्स करने वालों के बारे में मैं मानता हूं। तो गुरुजी, ये बात जो आपने बताई, तो उसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि उस लड़की की उस नेताजी से रंजिश रही हो, कभी वाद विवाद हुआ हो, उनसे कोई ना कोई बातें जरूर हुई होगी, वो उनको जानते होंगे। परंतु कमेंट्स करने वाले तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, फिर वो भद्दे कमेंट्स क्यों करेंगे। यह बात भी आपकी अपनी जगह पे उचित है, मैं कहने लगा। चलो मैं इसे भी समझा देता हूं। हमारे पास में ही शहर पड़ता है रेवाड़ी, और वहां पर जया किशोरी जी जो कि एक कथाकार हैं, उनकी कथा चल रही थी। मैं जा नहीं पाया क्योंकि अत्यधिक भीड़ में मैं जाना भी पसंद कम ही करता हूं, भले ही वो हमारे बिल्कुल पास में ही थी, परंतु कथा को सुनना भी जरूरी था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल फोन निकाला और उसमें कथा का आनंद लेने लगा। कथा ऑनलाइन प्रसारित की जा रही थी, बड़ी अच्छी कथा चल रही थी। तभी मेरा ध्यान कमेंट्स पे गया कि कमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे, और जैसे ही मेरा ध्यान कमेंट्स पे गया तो कमेंट्स में लिखा था, वाह, इस काली ड्रेस में आप कितनी अच्छी लग रही हैं। अब मेरा ध्यान जया किशोरी जी की तरफ गया, उनकी ड्रेस पे गया, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है ऐसे ही कमेंट्स डाल देते हैं। दो चार कमेंट्स के बाद ही एक कमेंट्स आया, उसमें लिखा था, आप भी तो खूब जम रहे हैं। पर ये कमेंट्स कुछ
मेल खाता है। फिर एक कमेंट आया उसी का जिसने पहले किया था, तो फिर इतने दिन हो गए मिलते क्यों नहीं। और फिर दूसरे कमेंट्स में जवाब आता है कि मम्मी पापा मुझ पर नजर बनाए रखते हैं। इस प्रकार की बातें ना जाने कितनी देर चली, फिर मैंने उस कमेंट्स पे ध्यान देना छोड़ दिया। ऐसे व्यक्ति जिनका कथा से कोई संबंध नहीं, अब वे फोन पे बातें करें तो पकड़े जाएं, कहां पे फोन मिलाया, फोन की डिटेल निकल जाए, किससे बातें हुई। वो लड़का भी कथा सुन रहा था और लड़की भी कथा सुन रही, लेकिन मिल नहीं सकते थे। आपस में उनका कैसा भी संबंध रहा हो मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन वे कमेंट्स के जरिए अपनी बातें कर रहे थे। सेम टू सेम यही बातें हुआ करती हैं। वीडियो से में जो भी भद्दे कमेंट्स या कैसी टिप्पणियां डाली जाती हैं, उनका वीडियो से कोई संबंध नहीं होता है, ना वो किसी को जानते हैं, पर वे अपनी मानसिकता को फोन के जरिए बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फोन के जरिए यदि बातें करें तब उन्हें फोन करने वाले का उत्तर भी देना पड़ता है। घर में कोई झगड़ के आया है पत्नी से, अब बातें दिमाग में वही चल रही हैं, लिख दिया कमेंट्स में कुछ भी, से क्या लेना देना है। वो यही लिखेगा, वीडियो बहुत लंबा है, वही आपकी बात है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वीडियो से कोई ज्ञान प्राप्त करने की भी जरूरत ही नहीं होती है। किसी ने अपनी प्रेमिका को देख लिया किसी दूसरे के साथ, अब वो किसी पर भड़ास नहीं निकाल सकता, उसके पास एक स्टेज होता है, माध्यम होता है, और वो स्टेज है यूट्यूब। बस यूट्यूब में वीडियो देखो, कमेंट्स लिख दो, अपने मन का जो भड़ास है वे निकल जाता है। मैं कमेंट्स करने वालों को बस इतना ही मानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। बहुत से व्यक्ति हैं जिनको बातें पचती नहीं है, अब जब बातें नहीं पचती तो उन्हें किसी ना किसी रूप में निकालना पड़ता है, तो एक बहुत साधारण जरिया होता है कमेंट्स का। चलो, एक स्त्री ऐसी ही थी जिसको बात कोई भी हजम नहीं हुआ करती थी, किसी ने कोई बात उससे कह दी, उसने उस बात को किसी दूसरे के सामने बताना ही बताना है। उसकी एक सहेली को मजाक सुझा और उसने उससे एक ऐसी बात कह दी जो उसके पति के बारे में थी, और पति के बारे में जो वो बात थी, अब वह बात किसी के सामने बताई भी नहीं जा सकती थी, अब वह बात किसी को बता ही नहीं सकती थी, नहीं सकती थी तो वह परेशान हो गई। उसके पेट में दर्द बन गया, पेट में अफार आने लगा, डॉक्टर को दिखाया, दवाइयां दी, आराम नहीं मिलता। आखिरकार परेशान होकर उसकी सास ने जान लिया, उसकी सास के समझ में आ गई कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो इसने छुपा कर रखी हुई है, जो इसके पेट में दर्द का कारण है। वे गई और बहू से कहने लगी, ऐसा कर, तेरे मन में जो बात है तू उसे बता दे। कहने लगी, मम्मी बताने लायक बात ही नहीं है। उसकी सास समझ गई
उनके घर में एक पालतू डॉग था। सास ने कहा चल ना बता, इस डॉग के कान में कह दे। सास की बात मान ली। अब उसको पता था डॉग के कान में कहने से डॉग पर तो कोई असर आएगा नहीं, तो कह दी जाए डॉग के। उसने डॉग के सामने वह बात कह दी, उसका पेट का दर्द ठीक हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बातों को पचा नहीं सकते, उन्हें किसी ना किसी जरिए से उसे निकालना ही पड़ता है। बस यही कमेंट्स का रहस्य है। शिष्य कहने लगे गुरुजी फिर इनका उपाय क्या है? उपाय भी यह है जो मैंने तीसरी बात बताई, इसमें छुपा हुआ है। तीसरी बात जो कि उसको हजम नहीं होती बात, उसके पेट में दर्द हुआ, इसका सॉल्यूशन, इसका उपाय भी इसी में छुपा हुआ है। यदि हम किसी भी बात को हजम करना सीख ले, आपने खाना हजम किया होगा, आप खाने के बारे में सोचते होंगे कि खाना हजम हो गया। किसी का लीवर कितना मजबूत है उतना जल्दी खाना पच जाता है। परंतु दोस्तों, यदि आप इस एक बात को हजम करना सीख लें, शत्रु की शत्रुता को हजम करना सीख लें, शत्रु परेशान हो जाएगा। अगर आपने शत्रु की शत्रुता को हजम कर लिया तो शत्रु की पावर खत्म होने लग जाएगी। जब आपकी अब जो कार्य करेंगे उसमें आपकी शांति भी भंग नहीं होगी और आपके कार्य में मन लगेगा। आपका रोजाना तरोताजा मस्तिष्क रहेगा, क्योंकि आपने शत्रु की कोई बातें किसी से कहनी ही नहीं है, आपने तो हजम कर लिया ना। आपको एक तरीका आ गया, एक नुस्खा आ गया कि शत्रु ने जो बात कही, शत्रुता रखी किसी विचार के द्वारा, बात के द्वारा, उसको हजम कर लिया। और हजम करने के साथ साथ अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहे, अपनी कार्य क्षमता को निरंतर आगे बढ़ाए। निरंतर कार्य क्षमता जब आपकी बढ़ेगी तो आपके कार्य भी सिद्ध होने लगेंगे, उसके बीच में कोई शत्रु रुकावट बन ही नहीं सकता है। और यदि आप कमजोर हैं कि मैं काफी कोशिश करता हूं फिर भी मुझसे बात वो हजम होती नहीं है, मेरे अंदर क्षमता ही नहीं है कि मैं उस बात को हजम करूं, दोस्तों शनिवार के दिन एक नियम बना ले, बस एक शनिवार को एक बात अपने पूजा स्थान में बोल दिया। बड़ा छोटा सा उपाय है। हे शनि महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मेरे शत्रुओं की शत्रुता को हजम करने की शक्ति दे दें। इतनी सी बात बोल दें। आपने बोलना है कि शनि महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे मेरे शत्रुओं की शत्रुता को हजम करने की शक्ति दे दे। इतनी बात, इस जो लाइन मैंने बोली है इसे चाहे एक बार बोल सकते हैं, दो बार बोल सकते हैं, तीन बार बोल सकते हैं। प्रयोग को आजमा कर देख लेना दोस्तों। जब आप स्वार्थवश कोई चीज मांगते हैं तो भले ही शनि महाराज से उसकी पूर्ति ना हो, लेकिन जब आप इस प्रकार की क्षमता मांगेंगे तो शनि महाराज प्रसन्न भी बहुत होंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा का हाथ भी रखेंगे और आपके अंदर वो क्षमता आने लगेगी
जिससे शत्रुओं की क्षमता हजम होने लग जाएगी। और आपने एक ये छोटी सी विधि सीख ली तो समझ लेना जीवन में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हजारों शत्रु आए ऐसे निकल जाएंगे कि शत्रु जैसे जीवन में थे ही, बस आप शत्रु की जो शत्रुता है उसे ही अपना हथियार बना ले। बहुत से बड़े बड़े नेता आज भी हैं जो अपने विरोधियों की बातों को अपना शस्त्र बना लेते हैं। विरोधियों ने जो बातें बोली उन्हीं को अपना शस्त्र बना लिया और विरोधी परेशान कि बोले तो आखिर इनके खिलाफ बोले क्या। आपने दोस्तों इस नुस्खे को अजमा लिया, शत्रु की शत्रुता को हजम करना सीख लिया तो समझ लेना आज से ही सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा लगता है तो बता देना अपने दोस्तों। अब आप ये ना पूछना कि कितने शनिवार के, याद रहे किसी भी शनिवार को बोल दिया बोल जाए कोई बात, अगले शनिवार को फिर बोल दें और बोलने में क्या जाता है। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।